Many students ask me a question, sir, how to learn English, how to become fluent in spoken English, or how to be fluent English speaker, how to get good command over communication skills. So I ponder over it and thought that if we watch some interesting English movies with good technique, we can definitely have good command over communication skills in English. So friends, आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ एक महत्वपूर्ण बात. इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मैं आज के वीडियो में आज आपको ऐसी पांच इंग्लिश मूवीज़, पांच इंग्लिश फिल्मों के बारे में बताऊंगा जिनकी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जिन्हें देखेंगे आप तो डेफिनेटली यू कैन बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर. ये बात श्योर है. लेकिन मूवीज़ को हाउ कैन वी वॉच मूवीज़ और हाउ टू वॉच मूवीज़, कैसे देखा जाए, उसके लिए मैं आपको फाइव रूल्स बताने के लिए जा रहा हूँ, फाइव टेक्निक बता रहा हूँ. इन टेक्निक्स को यूज़ करके अगर हम उन मूवीज़ को देखेंगे तो डेफिनेटली ये मूवीज़ हमारी अंग्रेजी को बहुत शानदार बना देंगी. सबसे पहली बात यह है, जब भी आप कोई मूवी देख रहे हो तो वॉच विद सब टाइटल्स. मूवी के नीचे इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे आते हैं, देट आर कॉल्ड सब टाइटल्स. उन्हें ज़रूर ध्यान से देखें. और जब आप मूवी देख रहे हों तो उनको साथ साथ पढ़ते रहें. मूवी एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें सब टाइटल के साथ में, तो आई एम श्योर दैट चौथी बार में आपको सब टाइटल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड यू कैन हैव 100% होल्ड ओवर द सेंस व्हाट दे आर सेइंग. पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी. नंबर दो, व्हाइल वॉचिंग एनी इंग्लिश मूवी यूज़ ईयरफोन. कानों में ईयरफोन यूज़ करें, सबसे अलग बैठें, थोड़ा सा कहीं आपको डिस्टरबेंस नहीं हो. ईयरफोन जब आप यूज़ करेंगे तो कंप्लीट बात आपकी समझ में आएगी. मोबाइल से अगर आप मूवी देखते हैं या लैपटॉप में देखते हैं, ईयरफोन कान में लगाएंगे, पूरी तरह अपने आप को फोकस करें उस मूवी पर. एक बार नहीं देखनी, एक ही मूवी को आप कम से कम तीन बार देखिए. एंड फोर्थ टाइम यू विल हैव गुड कमांड ओवर व्हाट इज़ द मटेरियल इन द मूवी अबाउट इंग्लिश. एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, नंबर तीन, जब आप मूवी देख रहे हैं तब पॉज एंड सर्च फॉर द मीनिंग इफ़ इट्स नॉट क्लियर. अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपके लिए क्लियर नहीं है, अर्थ समझ में नहीं आ रहा, तो पॉज, वहाँ रुकें, उस मीनिंग को, वीडियो को रोकें, मीनिंग का अर्थ देखें, फिर इसको ढंग से क्लियर करें कि क्या कहा जा रहा है, तब आप आगे बढ़ें. यानी अर्थ को एक बार ढंग से समझ करके ही आगे बढ़ेंगे. रूल नंबर चार ध्यान रखेंगे, मेक योर ओन डिक्शनरी. अपनी खुद की डिक्शनरी बनाएं, जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगें उन्हें खुद की डिक्शनरी में आप लिखें. खुद की डिक्शनरी बनाएंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप लिखेंगे, तो उनसे अपने जो स्वयं के शब्द हैं वो शब्द हमारे काम आने वाले हैं. तो खुद की अलग से एक डायरी आप ले सकते हैं, छोटी सी, योर ओन डिक्शनरी. आपकी खुद की डिक्शनरी बनेगी, शब्दकोश बनेगा. वर्ड पावर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कमरा बनाने के लिए, मकान बनाने की ईंटों की आवश्यकता होती है. बिना ईंटों के मटेरियल कोई खास नहीं होता बाकी का. वैसे ही अंग्रेजी में जो मीनिंग्स हैं, वर्ड पावर है, शब्द हैं, ये शब्द ही अंग्रेजी के मकान के ईंटों की तरह से होते हैं. ये जितने ज़्यादा हमारे अंदर होंगे उतना ही हम बोल पाएंगे. किसी टॉपिक पे बात करनी है और दिमाग में कोई मैटर ही नहीं है तो बोलेंगे क्या हम. इसलिए वर्ड पावर बढ़ाने के लिए अपनी डिक्शनरी बनाएँ एंड रिवाइज एवरी संडे. हर संडे उसका रिविज़न करें. ये जो शब्दकोश है अंग्रेजी की मीनिंग से, बड़े कमाल की हैं. आप एक बार खूब ढंग से याद कर लो, बट विदाउट प्रैक्टिस यू विल डेफिनेटली फॉरगेट देम. बिना अभ्यास के आप भूल जाओगे. हर संडे को प्रैक्टिस करें. आपने एक हफ्ते में क्या सीखा, एक महीने में क्या सीखा, उसका एक महीने बाद रिवाइज करें. वर्ड पावर माइंड में आपको बढ़ानी है. द मोर वर्ड पावर यू विल हैव, द मोर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यू विल हैव. तो जितनी वर्ड पावर ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दीज फैंटेस्टिक फाइव इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशनल मूवीज विच विल जस्ट मेक यू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, फ्लुएंटली, बहुत अच्छी तरह बोलना करवाएंगी आपको. ये पांच मूवीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे पहले मैं बताऊँगा कास्ट अवे.
कास्ट ऑफ ए मूवी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसमें एक आदमी फर्श से और अर्श तक अपना इतिहास रचता है, एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है कास्ट ऑफ ए। इसे आप ध्यान से देखना, सबटाइटल देखना, ईयरफोन लगाकर देखना, कहीं डिफ़िकल्टी होगा पॉज करना, रुकना और अपनी खुद की डिक्शनरी में डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखते चलना। ये कास्ट अवे जो मूवी है, इंग्लिश की मूवी, ये आपकी वोकेबलरी को, आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज को, आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएगी। सेकंड मूवी आप देख सकते हैं ब्रेक थ्रू। कोई छोटा सा बच्चा है, वो कहीं बर्फ़ में दब जाता है और 20 मिनट के लिए दबा रहता है। जब उसको निकालते हैं तो डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये बच्चे का बचना मुश्किल है, धड़कन वगैरह इसकी बस रुकने ही वाली है। लेकिन उस बच्चे की माँ उसे इस तरह मोटिवेट करती है कि एक साल के टाइम में ही बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देती है और वो बच्चा जिंदा रहने लगता है, जीवन की तरफ लौटने लगता है। एक माँ के और बच्चे के स्ट्रगल की कहानी है। ये कहानी हमें स्ट्रगल के साथ साथ इंग्लिश को एम्पावर करेगी। नंबर तीन हम देखते हैं अ डॉग वे होम। एक कुत्ता कहीं खो जाता है और वो लौट कर अपने मालिक के पास लौट करके आता है। तो ये कंप्लीट कहानी आपको इमोशनली टीच भी करेगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को एम्पावर करेगी। नंबर चार बात करते हैं एवरेस्ट मूवी। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुछ लोग जाते हैं, उनमें उनको किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, वहाँ से लौट कर आते हैं कि नहीं आते, आपको स्ट्रगल सिखाएगी ये कहानी। स्ट्रगल के साथ साथ अंग्रेज़ी सिखाएगी। अंग्रेजी भी इतने शानदार, इसमें स्ट्रक्चर्स, वोकेबलरी और कहने का जो तरीका है इनका, वो आपको वास्तव में पसंद आने वाला है। एक मूवी है ग्रेविटी, नंबर फाइव। ग्रेविटी यानी कुछ लोग स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में, आउट ऑफ ग्रेविटेशन, और वहाँ अंतरिक्ष में से उनमें से कुछ लोग लौट कर आ पाते हैं, कुछ लौट कर नहीं आ पाते। तो उन लोगों की कहानी है, बहुत बड़ी स्ट्रगल की कहानी है। ये कहानी आपकी इंग्लिश को बहुत शानदार तरीके से एनोरेज करेगी। बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट डे टू डे लाइफ में काम में आने वाले शब्दों को, वोकेबलरी, ग्रामर वगैरह को काम में लिया गया है। तो इन मूवीज़ को आप अगर ढंग से देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे, तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी स्पोकन स्किल्स को अच्छा बनाने वाली हैं। ध्यान रखेंगे, सबटाइटल्स देखें, ईयरफोन लगाएं, रुक करके मीनिंग सर्च करें, इसका अर्थ क्या है, अपनी खुद की डिक्शनरी बनाएं और रिवीजन करते रहें। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वीडियो इन इम्पोर्टेंट फाइव मूवीज़ के बारे में। इन्हें आप 3 बार देखो और चौथी बार आपको बिना सबटाइटल्स की पूरी बात समझ में आ जाएगी, अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो। ऐसे ही देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, इनको देखना है, ध्यान से मेहनत करनी है इन पर। तो मिलते हैं फिर।